ये शहजादी कब जाएगी इस घर से? क्या कह रही हो? कौन आ रहा है? कब? क्या? ये शहजादी कब दफा होगी इस घर से? अपने जहां पना जेठ को बोलिए अपनी शहजादी को ले इस घर से और दफा हो। और अगर इतनी बेटी बोझ है ना तो किसी राह चलते से निकाह पढ़वा दे। मेरे घर पे क्यों डेरा जमा के बैठी है वो? अरे मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अच्छा जी, ये अल्लाह की रहमत नमाज और रोजे की पाबंदी से भी आती है। लो आ गई जन्नत की दरोगा। देखो बीबी, ये नमाज और रोजे जो है ना, अल्लाह की बीच की बात है। हाँ समझ गई, अब आप समझिए, आप रवाना करेंगे उसे या मैं निकालूं? ये घर मेरा है, कौन रहेगा और कौन नहीं ये फैसला मैं करूंगी। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है इस घर में तो अपने मियाँ से कहो ना कि अलग घर लेकर दे दे तुम्हें। बड़ा गरूर है इस टगे के 120 गज के घर पर। याद रखिएगा, गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। जब होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तुम इस घर में सर झुका कर रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। सच का है किसी ने, रोटी पकाने वाले की नहीं रोटी कमाने वाले की इज्जत होती है इस दुनिया में। और ये सारी बातें ना मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी औलाद की वजह से सुनने को मिलती है। तो जाओ कमाओ, किसने रोका है तुम्हें? मियां निखट्टू और बीवी के मिजाज है कि मिल ही नहीं रहे। वाह, तो शहजादी ही इसका दिमाग ठीक करेगी, देख लेना।